नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर। आइए नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की इस बड़ी खबर पर। फिल्म 72 हुरे जब से अनाउंस हुई है तब से ये विवादों से घिरी नजर आ रही है। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में आतंकवाद की काली दुनिया का सच दिखाया गया है। ट्रेलर में देखा गया कि किस तरह आतंकवादी पहले लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, इसके बाद उन्हें मासूम लोगों की जान लेने पर मजबूर करते हैं। आतंकवादियों का मानना है कि जो इंसान अपनी जान कुर्बान करके लोगों की जिंदगी तबाह करता है, खुदा उन्हें जन्नत में पनाह देते हैं। संजय पूरन सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों का मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला है। ये डिजिटली रिलीज भी किया गया था। कहा जा रहा था कि सेंसर बोर्ड के आखिरी मिनट पर दखलअंदाजी करने के चलते ये कदम उठाया गया। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने अपने बयान में कहा था कि सेंसर बोर्ड ने उनसे फिल्म में कई कट्स लगाने और फिल्म में कुछ चीजें बदलने को कहा है, जैसे किस सीन को हटाने और कुछ डायलॉग्स में बदलाव करने की मांग की है। इसके बाद उनके फिल्म को सर्टिफिकेट मिलेगा। अब रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये खुलासा खुद CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने किया है। सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन का कहना है कि फिल्म और उसके ट्रेलर 72 हुरे को लेकर जितनी भी बातें सामने आ रही हैं वह सरासर झूठी हैं। लोगों को कॉमिक्स लीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। हम लोगों ने फिल्म को सर्टिफाई करने से इनकार नहीं किया है, बल्कि उसे ए सर्टिफिकेशन दिया है। ट्रेलर पर काम हो रहा है, फिल्म मेकर से इंटीमेशन के अंतर्गत एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया है, जिसकी रसीद हमें चाहिए। हालांकि हम लोगों ने जो सर्टिफिकेट दिया है वह कुछ बदलाव के बाद दिया है। फिल्म मेकर को इस बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी दे दी थी, साथ ही उनसे 27 जून 2023 को फिल्म में कुछ बदलाव करने को कहा था, पर फिल्म मेकर की ओर से हमारे नोटिस पर अब तक कोई भी जवाब या फिर रिएक्शन या फिर फीडबैक नहीं आया है।